तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप बढ़िया होंगे। तो हम आज दोबारा खेलने वाले रेंज सिमुलेटर। तो पिछली बार ये पीछे का हिस्सा था, जो हमने ये बार्न हाउस बनाया था, ये खाली रह गया था। तो मैं करने वाला हूँ आज, मतलब इस बार्न हाउस को पूरा बना दूंगा और फिर इसके अंदर पिग ला के रखेंगे। तो ये तो मेन गेट था जो हमने बना दिया। तो हमें अभी बीच वाला पोर्शन लगाना है। तो मैं थोड़ा बड़ा बनाने की सोच रहा हूँ बार्न हाउस को, क्यों अगर हम ज्यादा जानवर भी लिया है इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बड़ा भी होना चाहिए। देखो बड़े लोगों की बड़ी सोच है हमारी, तो इसलिए बड़ा ही रखेंगे। थोड़ा और पीछे होते हैं और लगाते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा तो काफी है। फिर एक और, चलो अब बैक पोर्शन लगा देते फटाफट। तो ये हमने लगा दिया है बैक पोर्शन भी, बस ये थोड़ा नकली है, ब्लू प्रिंट है ये। तो अभी हमें पूरा सामान लगाना है। तो लकड़ियाँ काटनी है, लकड़ी भी काटते चलो। तो पूरी लकड़ी मैंने काट ली है, थोड़ी बहुत पहले की पड़ी थी और अभी मैंने और काट ली है लकड़ियाँ। और ये रहे हमारे सुअर इधर बगल में बिल्कुल। तो बस इन्हें ही हमें वहाँ पे पहुँचाना है। तो मैंने पूरी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ पहले, क्योंकि क्योंकि हम अगर पहले ही इकट्ठा कर लेंगे ना तो फिर एक साथ ले जाएंगे गाड़ी में रखकर, फटाफट लगा देंगे उधर ना। एक एक में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखो भाई, सुअर तो खूब है हमारे पास और इनके बच्चे भी हो चुके हैं, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो इनके पास फूड अभी इतना है नहीं, तो फूड डाल देता हूँ भाई। हट जा सुअर भाई, कितना मोटा हो चुका है, इसको मारेंगे तो फायदा तो है, ऐसी बात नहीं है। पिग बोल सकते हैं अंग्रेजी में इनको, पिग बोलते हैं। तो लोग आजकल अंग्रेजी शब्द का ज्यादा यूज करते हैं, तो हम भी अंग्रेज बनेंगे और पिग बोलेंगे इनको। तो देखो पूरी गाड़ी मैंने लोड कर ली है अपनी, मतलब छोटी क्या बोल सकते हो उसको, चलो जो भी बोलो। तो सीधा बार्न हाउस के अंदर ले जाते हैं इसको, ताकि बार बार चक्कर ना करना पड़े हमें। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैंने पूरा तैयार कर दिया है बार्न हाउस। तो देखो आप एक बार क्लियर, पूरा बार्न हाउस हो चुका है कंप्लीट। बस अब ये एक गेट और लगाना है इसका, तो गेट भी लगा देते फटाफट। तो यहाँ पे लगा दिया ये वाला गेट। तो बस अब इसे करना है तैयार। तो इसमें हमें 12 वुड चाहिए और 1-2 मेटल चाहिए। तो वुड लगा देते पहले हम, तो वुड तो पूरी लगी नहीं, और वुड लेके आनी होगी, फिर उसको भी लगाएंगे। तो यहाँ से वुड अपने पास काफी है, आराम से लग जाएगा। तो इस वुड को भी लगाते, तो वुड का काम हो चुका है हमारे कंप्लीट। तो अब चाहिए हमें मेटल, तो चलते हैं बाहर। मेटल पड़ा है, ज्यादा तो नहीं है पर है। और एक गेट हो रहा है यहाँ पे, तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं वुड लगा के। तो अभी हमें इसमें और वुड लगानी होगी। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारी वुड थी, लेकिन अब खत्म सी हो चुकी हूँ मान लो। तो इसको गिराते हैं यहीं पे और बाहर से लेके आते हैं मेटल। तो किधर पड़ा, ये रहा मेटल। 3 मेटल है हमारे पास अभी भी, तो एक इसमें लग जाएगा, एक उसमें लग जाएगा। तो फिर एक ही मेटल बचेगा हमारे पास। अब क्या इससे हमारा काम होगा या नहीं, पैसे लेके आ जाएंगे। पैसे तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सोच बड़ी रखते हैं हम। देखो सिंपल बात है, तो इसको गाड़ी में रखने में फायदा है, वरना फिर बाद में ढूंढो इधर उधर करके। तो गाड़ी में सेट कर देते हैं इसको, थोड़ा करता हूँ घुमाता हूँ। और नहीं हो जाए, हो जाए भाई, हो ही नहीं रहा, शायद लकड़ी के ऊपर हो जाए। हाँ तो इधर लगा देते हैं, कर देते हैं सेट। इस वुड को भी रख देते हैं, क्योंकि देखो एक एक वुड की कीमत है गेम के अंदर। तो या अब मैंने एक चीज सोची कि इनको खाने पानी के लिए भी इंतजाम करना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब हर जगह लगा देता हूँ एक एक। तो लेकिन ये फिर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे पिग लेके आता हूँ तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितने भी पिग होंगे वो सब यहाँ पे होंगे, और मैं जब दूसरे लेके आऊंगा तो जो मैं पहले लेके आया हूँ वो भागने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ भर भर के। तो एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, तो पूरे लगा देता हूँ मैं। तो वैसे मैंने देखो इतने सारे लगा दिए, तो अब इनको भी बना देते हैं, पूरा कर देते हैं कंप्लीट। तो वुड उठाते हैं फटाफट और लगाते हैं, पहले मेटल को हटाते हैं फिर वुड लेते हैं। तो यहाँ पे हम, ओ भाई, एक के अंदर 16 चाहिए। तो अब मेरा मन नहीं है सबको लगाने का, तो पहले इसको तो कर देते हैं कंप्लीट। और मुझे लगता है कि पानी वाले को भी कंप्लीट कर देना चाहिए, फिर इसमें खाना वाना डाल देंगे और अपने पिग विग को यहाँ पे लेके आ जाएंगे आराम से। तो पानी वाले में भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस, लकड़ियां पड़ चुकी हैं कम, तो लकड़ियों की कटाई भी जरूरी है।
तो यहाँ से अपना पेट्रोल का ले लेते हैं, फ्यूल ले लेते हैं, और मशीन मैंने अपनी गाड़ी के अंदर रख ली है। तो यहाँ से सेट तो नहीं है, थोड़ा आगे होना होगा शायद। हाँ अब हो गई, चलो बढ़िया है। तो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने एरिए, बोले तो अपने बार्न हाउस पे, बार्न फार्म हाउस जो भी बोल सकते हैं हम उनको। तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या हमें काम करना चाहिए? क्योंकि मेरे को भी इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई नहीं, तो थोड़ा आगे करते हैं। और यहाँ पे लगा दी है मैंने गाड़ी, और गाड़ी की मैंने कर दी है टॉर्च, मतलब लाइट ऑन, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो लकड़ी काटने में। तो यहाँ पे मेरी मशीन को कर देता हूँ मैं सेट, और फिर मशीन को करता हूँ ऑन, और लकड़ियाँ काटना करता हूँ चालू। तो उठाते हैं लकड़ी को और कर लगाते हैं अपने काम के अंदर। तो चलो काट देते हैं। तो बस देखो, अपने पिग विग तो सो चुके हैं सब, लकड़ियां मैंने काट दिया, तो अपन भी चलते हैं सोने, क्योंकि तो रात हो चुकी है, मेरे को भी इतना ढंग से दिख नहीं रहा, फिर आपको भी नहीं दिखेगा। तो फटाफट जाके सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है सुबह, तो अब सुबह हो गई, तो उठने का काम है हमारा, तो क्योंकि हमें और भी काम करना है। तो पहले तो अपनी लाइट को कर लेते हैं हम बंद, तो ये अपने मेटल वेटल पड़े, और अब काम है हमारा सुअर को अंदर लेके जाने का। क्या हमें, चलो अभी सो रहे हैं, इनको सोने देते हैं, उससे पहले कुछ कर सकते हैं क्या अपन? कुछ नहीं, लेकिन भाई खूब सारे सुअर हो चुके हैं हमारे पास, कमी नहीं है सुअरों की। तो सबसे पहले तो गाड़ी उठा लेते हैं अपन यहाँ से। चलो छोटो, गाड़ी छोटो, पहले अंदर देख के आते एक बार, तो गेट बंद कर दो, नहीं चलो अंदर देख के आना एक बार। रिया मैं अभी क्या करने लग गया, तो चलते हैं अंदर की तरफ। और मैंने एक चीज सोची है, क्योंकि देखो इतनी सारी वुड में हल खराब हो जाएगी, तो अभी हम कम रहने देंगे। तो ये जितने ब्लू प्रिंट है तो इनको हटा देते हैं बस, क्योंकि देखो दो मैंने खाने का बना दिया, दो पानी पीने के लिए बना दिए, तो इतने तो काफी हैं, तो इनको भी कर देते हैं। और अभी तो मतलब मैं कबाड़ा करने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। तो अब इसको रखते हैं और चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या मुझे अब पिग लेके आने चाहिए? तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि पिग लेके आ जाते हैं फटाफट। क्या आ जाएंगे? बिल ये भी उठ चुके हैं पिग भी, तो पहले फूड ला देते हैं इनके लिए, या फिर पहले इनको लेके चले। चलो कोई नहीं, पहले इनको लेके चलते हैं, फूड वूड का तो कर देंगे इंतजाम। और भाई आ जा, ये आ जा भाई, आ जा आ जा। अब गेट खोलना होगा, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, गेट को खोल देता हूँ, और अब आ जाएगा। ये रस्सी टूट चुकी है बार बार, ये आ क्यों नहीं रहा भाई? आ जा आ जा। मेरे हिसाब से हाँ, ये जो बाल्टी है ये प्रॉब्लम दे रही है हमें, तो इस बाल्टी को बैठाते हैं, और अब आ जाएगा जहां तक है ना। चला जा आ जा, ये रस्सी टूट गई वापस, और जिसको आना चाहिए था वो तो आया नहीं, और दूसरा एक बड़ा बड़ा पिग आ गया, और एक पिग का बच्चा आ गया। तो बड़े पिग को तो मैं लेके आ चुका हूँ अपनी जगह पे। तो आ जा भाई, मतलब भाई ये इतना मोटा हो चुका है कि दोनों गेट खोलने पड़ते हैं इसको अंदर लाने के लिए, सिंगल गेट में तो आता ही नहीं है। तो चलो मैं लेके आता हूँ पूरे पिक को अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और जल्दी GTA 5 की वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो अभी हम हमारा काम करते हैं कंटिन्यू, इस पिक को उठाते हैं और अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं चालू। तो टाटा बाय बाय।